नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। शहर की छोटी सरकार बनने के बाद तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। साफ सफाई को लेकर जहां प्राथमिकता दी जा रही थी, तो कार्य आप देख सकते हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 10 में मौजूद हैं, जहां जेसीबी की सहायता से जो सफाई अभियान है वो चलाया हुआ है। और आपको बता दें कि पूरे शहर में साफ सफाई को लेकर विशेष जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारियों की मीटिंग भी वो चेयरपर्सन जो सुरभि गर्ग है वो ले रही है। तो पूरी जानकारी के लिए वार्ड नंबर 10 से जो पार्षद हैं रोहन मित्तल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि चेयरमैन के जो पति हैं संदीप गर्ग जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, किस तरह का अभियान है, क्या कुछ शहर को ये करने वाले हैं। जी रोहन जी, स्वागत है सबसे। नमस्कार। किस तरह का, जैसे आपके वार्ड के आज सफाई से आपने शुरुआत की है, किस तरह क्या कुछ प्लान है वार्ड का? शहर के अंदर तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं, सफाई, बेसहारा पशु और लाइट्स जी। और हमारे तकरीबन हर वार्ड में यही समस्या है, और चेयरमैन साहब के हमने आगे ये समस्या रखी थी, तो उन्होंने सबसे पहले एक्शन में आकर इस पर काम किया है। और आज आप देख ही रहे हैं, चेयरमैन साहब द्वारा आदेश दिए गए हैं कि भाई पूरे कैथल में कहीं पर भी गंदगी नज़र ना आए, और जिस प्रकार से आज काम शुरू हुआ है इससे मन बहुत खुश है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जनता की उस पर खरा उतरेंगे और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो यहाँ से आपने सफाई की शुरुआत की है, तो आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ मतलब कदम क्या कुछ करोगे? बस अभी बड़ी जल्दी हाउस की मीटिंग होने वाली है, उसमें अपनी हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे भाई जो जो वार्ड में हमें समस्याएं हैं या रिक्वायरमेंट है, तो उसको पास करवा के, चाहे वो सड़क हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, लाइट्स हो, सफाई हो, बेसहारा पशु हो, सभी को पहली बार में ही समस्याओं को ख़त्म करने का काम करेंगे। तो क्या कुछ, जैसे मीटिंग भी हुई चेयरमैन साहब के साथ, क्या कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं या शहर की समस्याएं क्या कुछ ऊपर के सामने आई? अभी अभी हम नंदीशाला में विजिट करके आए हैं संदीप जी के साथ, और वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और बड़ी जल्दी बेसहारा पशुओं से शहर मुक्त मिलेगा आपको, और इनको यहाँ से गौशाला में शिफ्ट कर देंगे और वहाँ पर इनका पूरा पालन पोषण किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से जो पार्षद हैं रोहन मित्तल जी, जिनसे हमने जो सफाई अभियान इनके वार्ड में चला हुआ है उसको लेकर बातचीत की। तो अब बातचीत कर लेते हैं संदीप गर्ग जी से, क्या कुछ शहर में जो सफाई अभियान को लेकर और बेसहारा पशुओं की जो समस्या है, जो प्राथमिकता के आधार पर इन्होंने निपटाने का जो काम किया है, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जी संदीप जी। नमस्कार जी। देखिए, जैसे रोहन जी ने बताया, सफाई की, लाइटिंग की और बेसहारा पशुओं की तीन जो मुख्य समस्याएँ हैं शहर की, तो प्राथमिकता के आधार पर इन तीनों समस्याओं का सोल्यूशन हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे जी। सफाई को लेके, जैसे आपको पता है कि परसों भी सफाई कर्मचारियों के साथ एक बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई हमारी जी। मीटिंग बड़ी अच्छी रही जी। जिसमें हमने उनसे ही सुझाव मांगे जी। कि आपका शहर है ये, जितना हमारा शहर है उतना ही शहर आपका भी है, आपके ही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, आपके ही परिवार यहीं है, हमारे ही परिवार यहाँ पे, तो आप हमें सुझाव दीजिए कि आप किस प्रकार से अपने शहर को, जिसको कहते हैं कि भाई मेरा कैथल स्वच्छ कैथल का अभियान जो हमने चलाना है, भाई आप इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप किस तरीके से आप अपने कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे, तो उनके सुझाव लिए गए, उनकी कुछ ज़रूरतें थी, उनकी ज़रूरतों को समझा है। तो जैसे ही हमारी हाउस की मीटिंग होगी, उनको गाड़ियों की ज़रूरत है, उनको झाड़ू की ज़रूरत है, उनको ट्रॉलियों की ज़रूरत है, जो भी उनके साधन की ज़रूरत है उन्हें वो साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो भी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा करके। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जैसे ही हमारी ये समस्याएं सुलझती हैं, हम पूरे कैथल को जो है स्वच्छ, सुंदर और साफ करेंगे। संदीप जी, जैसे आपने सफाई कर्मचारियों की मीटिंग मिली, उस मीटिंग में जितने सफाई कर्मचारी कागजों में हैं उतने यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या कुछ इसके प्रति? देखिए, उनकी एक लिस्ट, उनको बोला गया है कि एक लिस्ट हमें दी जाए जी। जैसे टोटल हमारे 31 वार्ड हैं, उनमें 10 दरोगा लगाए हुए हैं, और एक दरोगा के नीचे, किसी दरोगा के नीचे 20 कर्मचारी हैं, किसी दरोगा के नीचे 40 कर्मचारी हैं, तो उनका एक पूरा ब्यौरा मांगा गया है, उनका आधार नंबर के साथ साथ उनके फ़ोन नंबर के साथ। वो लिस्ट जो है आज हमें मिल जाएगी, शाम तक का उन्होंने समय लिया गया है, और जैसे ही वो लिस्ट आती है तो उस लिस्ट से जो एक्चुअल कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका मिलान होगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही समन्वय बनाकर हमारी कोशिश रहेगी सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर शहर को हम स्वच्छ करें। तो ऐसा क्या कुछ सामने आया है कि कागजों में ज़्यादा कर्मचारी हैं और जो जी वो लिस्ट सामने आएगी तो उसके आधार पर मैं कुछ बता पाऊँगा जी। आप बताइए जी, नाम आपका? मैं पवन गुप्ता जी।
आपके वार्ड में जैसे सफाई अभियान शुरू हो गया तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें वार्डवासी बड़े खुश हैं कि सुरभि गर्ग ने और हमारे रोहन मित्तल जी ने शपथ लेते ही काम शुरू कर दिया है। इसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा सारे वार्ड में और शहर में। और जो अभी आपके सामने इन्होंने समस्याएं गिनाई टॉप प्रायोरिटी पे, तीन तो ये रखेंगे रखेंगे, बाकी भी सारी समस्याएं रोहन जी ने हमें बताई थी, लिस्ट दी थी, पर ये हम अपने वार्ड की समस्याएं बताएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है सुरभि गर्ग जी भी हमारी बेटी है और सुरेश गर्ग जी से तो हमारे पुराने संबंध हैं और बेटा संदीप भी बहुत, मतलब मुझे पहली बार मिला हूँ उनसे, बहुत अच्छे वक्ता भी लगे और मतलब इनमें है मादा काम करने का। तो सुरभि गर्ग से तो मैं कई बार मिला भी हूँ और काम हमें पूरा विश्वास है कि ये खरे उतरेंगे। आप बताइए सर, नाम आपका? हाँ जी, अश्विनी गोयल एडवोकेट जी। क्या कुछ कहना चाहोगे जैसे आपके वार्ड? बस मैं तो भाई साहब इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे चुनाव से पहले जो भी वायदे किए थे अपना नगर परिषद के चुनाव में, जो अभी हमारे सुरभि जी बन गई हैं नगर चेयरपर्सन और रोहन मित्तल जी पार्षद बने हैं, तो इन्होंने अपना शपथ लेते ही अपना कार्य शुरू कर दिया है। ये बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है और धीरे धीरे ये सब काम अगर शुरू करके और पूरे मतलब कि लगन से करते रहेंगे तो शहर का निश्चित तौर पर मतलब कि सब अच्छा हो जाएगा, तो ऐसी हमें उम्मीद भी है और सब हम मिलजुल के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है लगता है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के जो वासी हैं और वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद रोहन मित्तल, चेयरमैन जो पति हैं संदीप गर्ग जी, वो जिनसे हमने सफाई अभियान को लेकर जो आज शुरुआत हुई है वार्ड नंबर 10 से, इसे बातचीत भी की और कहीं ना कहीं जो वार्ड वासी हैं वो भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव में जो वादा था साफ सफाई बेसारा पशुओं उन पर जो अमली जामा जो पहनाना है वो शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।